उसके बाद क्या होता है, जैसे कि अगर हम मेंस की बात करें सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी को आप कैसे, आपने शुरुआत कैसे की और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए? मैंने सोशियो के लिए सबसे पहले मैंने एनसीईआरटीज़ कवर की थी, जो 11th की दो है, 12th की दो है। उसके बाद मैंने इग्नू का मटेरियल देखा था, तो उस मटेरियल से भी मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स के लिए मैंने वो पढ़ा था। थिंकर्स के लिए मैंने रिट्जर वाली बुक पढ़ी थी, और मतलब पेपर वन के लिए मुझे फोरम आईएएस के नोट्स मिल गए थे ऑनलाइन, तो वही नोट्स मैंने रेफर किए और उसमें जो भी कुछ वैल्यू एडिशन था तो मैंने कर लिया। और हेडलम्स करके एक बुक आती है, वो भी मैंने बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स के लिए पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी मैं। फिर पेपर टू के लिए नितिन सांगवान सर की बुक आती है, नितिन सांगवान सर की जो बुक है वो, उसी को मैंने अपना बेस मटेरियल लिया और कुछ वैल्यू एडिशन था तो मैंने खुद से कर लिया। बाकी पेपर टू काफ़ी जीएस जैसा ही होता है, तो जो जीएस के लिए आप डेटा प्रिपेयर करें, डेटा है, डायग्राम्स है, वो आप जीएस टू में भी वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको वहाँ पे थिंकर्स यूज़ करने पड़ेंगे। और पेपर वन की चीज़ पेपर टू में, पेपर टू की चीज़ पेपर वन में, प्लस फिर वही आंसर राइटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है।